नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानकर बाबा और मैं लाया हूं आप सबके लिए बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब नई गाड़ी लेते हैं, आपने बहुत जगह से सुना होगा कि उसकी एवरेज स्टार्टिंग में आपको कम ही मिलेगी, लेकिन आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है। तो मैं आज दोस्तों आप सबको ये आपका जो भी मिथ है ये क्लियर कर लूँ कि दोस्तों आपने बहुत जगह सुना होगा कि जब तक आप फर्स्ट सर्विस नहीं करेंगे या गाड़ी आप 1500-2000 किलोमीटर तक नहीं चलाएंगे आपको एवरेज कम ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये जो लॉजिक है ये एकदम ही गलत है। ऐसा होता है लेकिन ये इस वजह से नहीं होता है क्योंकि गाड़ी कम या ज़्यादा चली होती है, ये हमारे प्रोसीजरल मेमोरी की वजह से होता है। अब मैं आपको बता दूँ प्रोसीजरल मेमोरी क्या होती है। जैसे हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं, धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे ही हम धीरे धीरे गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो गाड़ी चलाने का ये जो प्रोसेस होता है इसमें हमें कई चीज़ें सीखनी होती है। जैसे आपको जब गियर बदलना है आप क्लच दबाएंगे, क्लच धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर गाड़ी चालू करेंगे, और आप अलग अलग लोगों की अलग अलग चीज़ें सीखने को रहती है। तो ये सब चीज़ें सीखने में आपको कई टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप जब सीख जाते हैं या फिर एक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें डाल देते हैं तो आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप बिना सोचे ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो दोस्तों जब हम एक नई गाड़ी लेते हैं उसको हम चलाते हैं काफ़ी साल तक, फिर वो गाड़ी पुरानी हो जाती है, उसके बाद हम सेल करके नई गाड़ी ले लेते हैं। तो फिर इसके बाद ये होता है कि जब हम नई गाड़ी चलाते हैं हमारे प्रोसीजरल मेमोरी में यही चीज़ रहती है कि जो पुरानी गाड़ी का जो मेथड है चलाने का हम उसी टाइप से नई गाड़ी को चलाते हैं। जैसे आपने आपकी पुरानी गाड़ी थी ऑल्टो और आपने नई गाड़ी ली समझो वरना, वरना लेने के बाद आप ऑल्टो के स्टाइल से अगर वरना चलाएंगे तो आपका एवरेज हमेशा ही कम आने वाला है। ये बात जो है ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो आपको इसमें जो वरना में सेट होने में जो टाइम लगने वाला है हो सकता है 1500, 2000 या 4000 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप उसके आपका हाथ बैठ गया वरना पे तो धीरे धीरे आपका जो ट्रांसमिशन चेंज करने का जो टाइम है, क्लच दबाने का टाइम है, धीरे धीरे वरना के हिसाब से सेट हो जाएगा ऑल्टो से। तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपके इंजन पर कम लोड पड़ेगा और धीरे धीरे आपकी एवरेज बढ़ती जाएगी। तो इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो बात है कि आप जितनी गाड़ी चलाएंगे उतना एवरेज मिलेगा, ये बिल्कुल ही गलत है। ये प्रोसीजरल मेमोरी की वजह से होता है। तो ये था आज का मेरा बिल्कुल ही नया सेशन। इसमें मैंने आपको एक नई चीज़ बताई है जो आपको बहुत कम चैनल्स पर जानने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर अपने चैनल पर इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक दैट।